गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बाबू भैया जयपुर आ चुके हैं। अब अपन जा रहे हैं मीटअप करने बाबू भैया से। सुबह भी वहाँ पर जाके आया था मैं, तो मैंने वो देख रहा था कि क्या तैयारी चल रही है, तो पूरा पुलिस ही पुलिस का पहरा हो रखा है। तो अब जाते हैं। तो गाइस मिलने वाले अपन बाबू भैया से, काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है। और कई लोगों को तो पता ही नहीं, मैंने मेरे फ्रेंड्स जो कि मिलना चाहते थे उनको मैंने खुद फ़ोन करके बताया है। गाइस मौसम तो फाइनली साफ हो गया, जिस हिसाब से बारिश हो रही थी मेरे तो फट रहे थे कि मीटअप कैंसिल ना हो जाए, बट अब मौसम क्लियर हो चुका है तो काफ़ी खुश हूँ मैं। शॉर्ट्स तो वो खुली होंगे मेरी जिसमें मैं कैसे रो रहा था। अब काफ़ी अच्छा लग रहा है कि अब फाइनली मिल पाएंगे। जयपुर तो आ गए, अंदर आईटी उसमें होंगे, मेगा जॉब फेयर में होंगे अभी, फिर वो बाहर निकलेंगे, फिर मीटअप करेंगे 4:30 बजे तक जैसा उन्होंने स्टोरी पर लगाया था। बाबू भैया आके चले गए क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उनसे मिलने का मौका नहीं मिला, हाथ मिलाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेरे फ्रेंड के इतना गुड लक था क्योंकि उनको उनके हेलमेट पे उनका ऑटोग्राफ मिल गया। तो क्या ही बताऊँ मेरे को कैसा लग रहा है। मैं थोड़ा सा इस तरफ क्या हुआ क्योंकि पुलिस डंडे मारने लग गई थी, तो पिछवाड़ा बचाना तो बनता ही है। तो अब अपने क्या करेंगे, एक राइड प्लान करेंगे उत्तराखंड जाने का, और बाबू भैया से लाइव मिलेंगे उनके घर के बाहर, उनके घर में। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।